हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू द यू पी एस सी एनालर टुडे वी विल डिस्कस न्यूज़ पेपर अनालिसिस डेट थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फर्स्ट न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है डेली में एक एक्साइज पॉलिसी आई थी लेकर को लेकर एंड उस पॉलिसी को स्क्राप भी कर दिया गया है लेकिन एलिगेशन है कि इस पॉलिसी में यहाँ पर करप्शन हुआ था तो उसको लेकर यहाँ पर ई क्वेश्चन कर रही है सी की क्वेश्चनिंग चल रही है एज मराठा कोटा स्टर टर्म्स वायल हाउसेज ऑफ एन सी पी एम एल एज़ टारगेटेड तो यहाँ पर मराठा कोटा की डिमांड है एंड ये डिमांड फुलफिल नहीं हो पाई है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है ठीक है आपको यहाँ पर रिजर्वेशन एज अ टॉपिक जी एस टू में प्रिपेयर करना है तो आपको रिजर्वेशन ये जो टॉपिक है इसके नोट्स बनाकर रखने हैं कौन कौन से केस लॉज है ये आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल इंदिरा सानी केस नागराज जरनेल सिंह एंड जो ई डब्ल्यू एस रिजर्वेशन का वॉर्डिकट आया था ये सब कुछ आपको प्रिपेयर करके रखना है एंड अगर आपको नवंबर के लिए इंडियन एक्सप्रेस की पीडीएफ चाहिए प्लस स्टार्टिंग पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप बाय कर सकते हो आप अगर आज पे करोगे तो उसको नवंबर मंथ के लिए ही कंसिडर किया जाएगा बैकिंग सीक्रेट पोल बॉन्ड्स सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट राइट टू नो हैज रेस्ट्रिक्शंस तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो पटिशंस हैं आज से हियरिंग स्टार्ट होगी सुप्रीम कोर्ट में तो सेंटर का क्या कहना है सेंटर का ये कहना है कि राइट टू नो में भी रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए सिटीजन को सब कुछ जाना जरूरी नहीं है बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में एक्सप्लेन पेज पर कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या हैं क्या कंडीशन हैं कौन कौन सी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले सकती हैं कैसे ये अनोनिमिटी ऑफर करता है कैसे ये ओपेकनेस लेकर आता है रॉदर दैन ट्रांसपेरेंसी द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया आर वेंकट रमनी हैज़ टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट विच विल स्टार्ट हियरिंग पटीशन चैलेंजिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम फ्रॉम ट्यूजडे कि सिटीज़न का जो राइट टू नो है इस सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एंड जो इलेक्टोरल बॉन्ड में यहाँ पर नहीं पता चल पा रहा है कि कौन किसको फंड कर रहा है तो ये राइट टू नो की रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन है एंड जिसकी वजह से यहाँ पर नहीं पता चल रहा है यहाँ पर 2003 के एक वर्डिक्ट की बात की गई है जिसका नाम है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड 2002 का जजमेंट था इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर एंड जिसमें यह कहा गया था कि इन्फॉर्म चॉइसज अबाउट इलेक्टोरल कैंडिडेट्स एंड देयर एंटीसीडेंट्स एंड जिसकी वजह से यहाँ पर जो पर्सन है वो अपनी इनफॉर्म चॉइस कर सके ठीक है नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स एम्स स्टडी लिंक्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू फिफ्टी थ्री परसेंट स्पाइक इन ई आर पेशेंट्स तो जो एमरजेंसी रूम के पेशेंट्स होते हैं इनके चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं अगर इन्होंने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लेकर एक्सपोजर हुआ है एंड अगर एक से सात दिनों तक का भी एक्सपोजर है तब भी यहाँ पर इमरजेंसी रूम के केसेस बढ़ जाते हैं बाकी यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन हम देखते हैं उसकी वजह से कैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है उसके बारे में एक एडिटोरियल आया है तो हम वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है आगे चलते हैं एक अनाउंसमेंट है यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो चुका है इसमें क्या क्या कवर किया जा रहा है करंट अफेयर्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज विच आर रिलेवेंट फॉर प्रॉब्लम्स एंड मीस प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक सीरीज जिसमें प्रॉब्लम्स को कवर किया जा रहा है प्लस टेन एफिल्टीज होंगे एंड मीन स्पेसिफिक मेंटरशिप को भी प्रोवाइड किया जाएगा तो ये सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है यहाँ पर प्राइस मेंशन है आप पेमेंट कर सकते हो वाई यू पी आई टू द गिवन यू पी आई आई डी एंड देन यू हैव टू सेंड यू डिटेल्स टू द गिवन ई मेल आई डी आगे चलते हैं नेशनल यूनिटी डे तो अक्टूबर थर्टी फर्स्ट को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूनिटी डे क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये बहुत एनिवर्सरी है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए जी एस वन में डायरेक्टली यहाँ पर टॉपिक मैंशन है एंड आपको क्या पता होना चाहिए तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री तो जी एस वन का पार्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री तो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स को कैसे इंटीग्रेट किया गया एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें क्या रोल था इन्होंने कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ किया फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पर्सुवेशन का यूज़ किया तो अगर आप जी एस फोर एथिक्स में परसुएशन एक टॉपिक है तो परसुएशन में आप एग्जाम्पल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी कोट कर सकते हो ठीक है इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए अब हम चलते हैं आगे प्रोटेस्ट लूजिंग डायरेक्शन तो वही मराठा कोट एजुटेशन जो चल रहा है महाराष्ट्र में उसके बारे में ये न्यूज़ है इन एक्सक्लूजन अ कंसर्न तो यहाँ पर ये क्या इशू है तो एक्चुअली जो राघव चड्डा आपके एम हैं राज्यसभा में इनको एक्सक्लूड कर, कर दिया गया है एक्चुअली उनको सस्पेंड कर दिया गया है एंड सस्पेंड जो किया गया है ये इनडेफिनेट सस्पेंशन है कोई यहाँ पर डेट नहीं है कि इतने टाइम के बाद ये वापस आ जाएंगे पचहत्तर दिन हो चुके हैं एंड जी अभी तक सस्पेंड ही हैं तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो पार्लियामेंट है इसमें वॉइस होनी चाहिए फ्रॉम ए क्रॉस स्पेक्ट्रम तो ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ एग्री नहीं करते उनको आप सस्पेंड कर दोगे

माइट इज़ राइट इसका कोई प्लेस नहीं है फ्री ओपन मैरिटाइम ऑर्डर में ऐसा हमारे डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि यहाँ पर माइट इज़ राइट ऐसा नहीं चलता है एंड इंटरनेशनल लॉज के साथ हमें कंप्लाई करने की ज़रूरत है जैसे कि चाइना क्या करता है फॉर एग्जाम्पल जो साउथ चाइना सी को लेकर वॉडिक आया था यहाँ पर चाइना ने मानने से मना कर दिया था तो इन इस की नोट एड्रेस एट द फोर्थ एडिशन ऑफ द गोवा मेरी टाइम कॉन्क्लेव बिंग हेल्ड फ्राम अक्टूबर ट्वेंटी थर्टी वन सिंग सेट अ फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड मेरेटाइम ऑर्डर इज अ प्रायरिटी फॉर ऑल ऑफर्स एंड यहाँ पर यू एन क्लॉज के साथ कंप्लाई करने की ज़रूरत है ठीक है आगे चलते हैं इन सीजन ऑफ फार्म फायर अ स्मॉल विलेज इन पंजाब इज बर्किंग द ट्रेंड तो केस स्टडी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये तो मोगा डिस्ट्रिक्ट है तो मोगा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर क्या क्या चल रहा है वाटर को सेव किया जाता है उसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज किया जाता है And even moved towards ensuring the most marginalized के पास यहाँ पर health insurance होना चाहिए stubble burning नहीं होनी चाहिए तो stubble burning ना हो उसके लिए जो farmers उनको 500 रुपए पर एकर दिए जाते हैं अगर वो यहाँ पर stubble burn नहीं करेंगे We also acquired several crop residue management machines for the panchayat and provided them free of cost to the farmers with limited resources तो बाकी villages ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर actually सारे villages government के funds के वेट करते हैं लेकिन ये जो विलेज है ये गवर्नमेंट के फंड्स के लिए वेट नहीं करता है ये आपस में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं काम शुरू कर देते हैं कुछ एन आर आईज यहाँ पर पैसा दे देते हैं एंड उसके बाद अगर गवर्नमेंट अपना थोड़ा बहुत सप्लीमेंट कर दे तो इनके प्रोजेक्ट्स और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं आगे चलते हैं ये एक्चुअली आंध्रा में ट्रेन कॉलिशन हो गया था उसको लेकर ये न्यूज़ है जो कि हमने डिस्कस भी किया था एंड ट्रेन कॉलिशन इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं कवच अगर आपको पता है कवच क्या है देन प्लीज टैन मीन द कॉमेंट सेक्शन एस्टेट्स मैनशिप वैक्यूम बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है अ बैड इन्फ्लुएंस तो यहाँ पर एक्चुअली फिन इन्फ्लुएंसर्स की बात की गई फिन इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं तो जो इन्फ्लुएंसर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर भी क्या करते हैं ये आपको बता दें कि आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए तो ये जो फिन होते हैं ये एक्चुअली रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने वाले तो हैं नहीं तो ये एडवाइस देते हैं और कभी कभी इनको कमीशन मिलता है ब्रोकरेज मिलता है जिसकी वजह से लोग गलत एडवाइस देते हैं और जो ग्लेबल इन्वेस्टर्स हैं इनकी बातों में आ जाते हैं आज उनका पैसा यहाँ पर डूब जाता है तो सेबी जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है फिल्म को लेकर लास्ट वीक सेबी ने यहाँ पर बार किया था मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी जो कि एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर था कि आप यहाँ पर सिक्योरिटीज़ मार्केट में डील नहीं कर सकते और कुछ सत्रह करोड़ वापस करना है से को फाइनेंशियल इन्फ्लुंसर्स और फिन फ्लुंसर्स आर दोस्त जो कि फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाव एवर द एक्सप्लोजर इन दिस कैटेगरी ऑफ इंफ्लुएंस हेज़ ब्रॉड विद होस्ट ऑफ इशूज़ तो क्या इशूज़ है इनको नॉलेज तो पता नहीं है अगर नॉलेज पता होती तो रजिस्टर नहीं हो जाते तो लिटल नॉलेज है इनफिक ऑफ द मार्केट नहीं पता है और बाकी इनको सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं व्यूज़ चाहिए होते हैं तो वही क्लिक बेट जैसी चीज़ें लगाते हैं जिसको एक्जिजरेट कर देते हैं फॉलोइंग देयर एडवाइस हैज़ एट टाइम्स बीन टू द डेट्रीमेंट ऑफ द नोवाइस इन्वेस्टर्स एंड कंसर्न यहाँ पर रेस किए गए हैं कि लोगों का कैसे यहाँ पर पैसा डूब गया जिसकी वजह से यहाँ पर जो से भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा बाकी यहाँ पर जो फ्रेंड्स के मैथ्यू पैरियो उनकी डेथ होगी तो उसके बारे में आर्टिकल आए ये सब हमने डिस्कस करेंगे टू क्लियर द एयर तो यहाँ पर बात की गई है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का बहुत पुअर हो चुका है रीसेंट रिपोर्ट ऑफ द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जिसको कि पब्लिश किया गया है बाई एपिक एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड इसमें यह बताया गया कि जो इंडियंस हैं इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी फाइव पॉइंट थ्री ईर्यस कम हो रही है क्यों हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ द एयर पोलूशन की वजह से एंड डेली में तो कंडीशन और भी ज़्यादा वर्ड है तो डेली में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये इलेवन पॉइंट नाइन ईयर्स कम है अपार्ट फ्राम द इम्पैक्ट ऑन द अर्ली डेथ तो जल्दी यहाँ पर डेथ हो जाती है डिसेबिलिटी बढ़ जाती है क्रॉनिक इलनेस हो जाती है दो हज़ार बाईस में यहाँ पर फिफ्टी मोस्ट सिटीज़ की लिस्ट में इंडिया के आपको थर्टी नाइन सिटीज़ मिल रहे हैं एंड रूरल एरिया में भी ऐसा नहीं पोल्यूशन नहीं है पोल्यूशन वहाँ पर भी पहुंच रहा है क्योंकि जो डस्ट हैं फ्रॉम अनपेव्ड रोड्स स्मोक फ्रॉम बर्न बायोमास फ्यूल्स पोल्यूटेंट्स दैट आर मोनिटेड फॉर एयर क्वालिटी इसमें आपको पता होना चाहिए पी एम टेन पी एम टू पॉइंट फाइव एन ओ टू एस ओ टू सी ओ थ्री एन एस थ्री पी बी तो बिसाइड्स दिस बेंजी एंड फॉर्मेलिटी हाइट फ्राम वाइल्ड लाइफ वाइल्ड फायर एमिशन इसकी वजह से कैंसर होता है कैडमियम एयर पोल्यूटेंट है एंड यह सिगरेट स्मोक की वजह से आता है एंड जो पी एम टू पॉइंट फाइव एक्चुअली हमने संडे को डिस्कस किया था कि जो पी एम टू पॉइंट फाइव कैसे यहाँ पर जो बैरियर है उसको ब्रेक करके ब्रेन तक चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो इंडिया में है ये डब्ल्यू एच ओ के स्टैंडर्ड्स के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा रिग्रेस है फॉर एग्जाम्पल पी एम टू पॉइंट फाइव को लेकर डब्ल्यू एच ओ ने लिमिट सेट कर रखी है फाइव माइक्रॉन्स और इंडिया में लिमिट है फोर्टी माइक्रॉन्स एट टाइम ज़्यादा है एंड इस फोटी माइक्रॉन्स को भी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो इवन वन डेली रिपोर्ट्स लेवल ऑफ वन ट्वेंटी सिक्स इट फार एक्सीड्स नेशनल एंड डब्ल्यू एच ओ स्र्ड्स तो हमें रिकॉगनाइज करने की जरूरत है कि एयर पॉल्यूशन की वजह से कितना ज़्यादा हेल्थ हार्म हो रहा है जोग्राफिकली जैसे कि अगर हम बात करें तो लैंड लॉक इंडो गैनजेटिक प्लेन है जिसकी वजह से यहाँ पर जो पल्यूटेंट्स है उनका डिस्पोजल नहीं हो पाता है और विंटर्स में से और ज़्यादा यहाँ पर डिस्पोजल नहीं हो पाता है क्योंकि जो कोल्ड एयर है डज नॉट फ्लो इजली जिसकी वजह से यहाँ पर जो पल्यूटेंट्स हैं डिस्पोज नहीं हो पाते हैं सोर्सेज ऑफ आउटडोर एंड इनडोर एयर पल्यूशन आर वेल रिकग्ग्नाइज तो पर्टिकुलर मैटर कहाँ से आता है वीकल से आता plants, forest, fights, and and है पावर प्लांट्स फैक्ट्रीज फॉरेस्ट फाइट्स वॉलकैनिक करप्शन डीजल फ्यूल एमिशन एंड रोड एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इम्पोटेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं फिर स्टबल बर्निंग जो कि एक सीजनल कल्प्रेट रहती है इसकी वजह से यहाँ पर इरिटेशन ऑफ नोज थ्रोट कफ एंड फीलिंग ऑफ चोक्ड ब्रेथ ये सब कुछ हो सकता है इट इज़ नाउ नोन दैट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन की वजह से बीपी बढ़ सकता है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं कैंसर भी हो सकता है एंड डायबिटीज़ का रिस्क यहाँ पर बढ़ जाता है डिमेंशिया कैटरेक्ट ये सब कुछ यहाँ पर इंक्रीज होता है एयर पोल्यूशन की वजह से तो एयर पोलूशन को यहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है कैसे कंट्रोल होगा तो हमें फॉसिल फ्यू फ्यूल से मूव करने की जरूरत है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी मास्क तो मास्क को लगाने की जरूरत है लेकिन मास्क भी हाई क्वालिटी होना चाहिए एंड बेसिकली कोशिश करो कि जब विंटर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो बाहर कम से कम निकलो मोर देन दीज मेजर्स प्रोटेक्शन क्या होनी चाहिए कि हमें क्लीन ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं करना है स्टबल बर्निंग नहीं करनी है गार्बेज बर्निंग नहीं करनी है हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन इज बीइंग एड्रेस थ्रू द सब्सिट्यूशन ऑफ बायोमास विद नेचुरल गैस एंड किचन्स का बेटर वेंटिलेशन होना चाहिए प्रोएक्टिव पब्लिक पॉलिसी इफेक्टिव इन्फोर्समेंट एंड विजिलेंट मॉनिटरिंग और उसके बाद ही हम जो एयर उसको क्लीन कर सकते हैं सेवेंटी आर्ट्स टू बर्न आउट ये आर्टिकल क्यों लिखा है तो आश्री नारायण मूर्ति आई थिंक कहीं इंटरव्यू दे रहे थे एंड उन्होंने ये कहा कि अभी हम देख रहे हैं तो ग्लोबल स्लोडाउन है तो ऐसे ग्लोबल स्लोडाउन में जो हमारी यंगस्टर्स हैं जो एक्चुअली आई टी प्रोफेशनल्स हैं इनको सत्तर सत्तर घंटे पर वीक काम करना चाहिए तो ऑथर ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि आप अगर सत्तर घंटे बात करने काम करने की बात कर रहे हो तो यहाँ पर जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कैसे मेंटेन रहेगा और मान लो कि यहाँ पर जो मेल्स हैं ये कर मिले सेवेंटी आर्स लेकिन फीमेल फीमेल तो सेवेंटी आर नहीं कर पाएगी क्यों उसको ऑथर ने यहाँ पर सारे रीजंस बताएं तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इट्स वन दैट इज़ अनलाइकली टू अपील टू नारायण मूर्ति हु इज एडवाइस की यहाँ पर जो यंग आई जी प्रोफेशनल्स हैं उनको सेवेंटी आयर्स ऑफ वीक काम करना चाहिए जो इंडिया की लो प्रोडक्टिविटी कंसर्न है इसको ठीक करने के लिए थ्री ईयर्स अगो भी यहाँ पर सजेशन दिया गया था कि साठ घंटे काम करना चाहिए तो मूर्ति इज राइट ऑन मेनी अकाउंट्स की नेशन बिल्डिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन होना चाहिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए बट अ नेशन बिल्ड ऑन द लेबर्स ऑफ ए वर्क फोर्स जो कि स्ट्रगल कर रही है अगर आप सत्तर घंटे काम करोगे आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं होगा आपके पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं होगा आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी तो इतने ज्यादा स्ट्रेस में आप रहोगे इनकम भी उसकी प्रमोशन में तो नहीं मिलेगी एंड पुअर वर्क लाइफ बैलेंस्ड एक प्रिकरियस फाउंडेशन है फिर यहाँ पर बात की गई है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये ये सोच रहे हैं कि हमें कैसे अपना वॉकिंग टाइम कम करना है और हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि हमें वॉकिंग टाइम बढ़ाना है अ ट्वेंटी फोर क्रॉस सेवन वर्क कल्चर थ्राइव्स ऑन द एजम्पन कि जो बाकी सारी चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं जैसे एम्प्लॉय को घर में कोई टेंशन नहीं है घर उसका बहुत बढ़िया चल रहा है इट वर्क सरप्राइजिंगली वेल फॉर मैन क्योंकि उनको सुबह सुबह पैड लंचज़ मिल जाते हैं लेकिन ये जो लंचजेस पैक कर रहे हैं ये कौन कर रहे हैं उनकी एक्चुअली वाइफ्स कर रही हैं द मिस्ड पी टी एम्स जिनको कि वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्चुअली हमारे जो फादर थे वो तो ऑफिस में थे तो मम्मी जाकर पी टी एम अटेंड कर रही हैं द डॉ तो यह सब कहा गया ना मोर देन एवर बी फोर वर्क काट बी ए वन वे स्ट्रीट टर्निंग इट्स बैक की बाकी सारी चीजें अपने काम के ऊपर करना है बहुत कुछ होता है इसके बीच में देर आर लाइफ टू बीव आपको जीना होता है अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करना होता है अपने सपनों को पूरा करना होता है तो ये सब बताया गया आगे चलते हैं प्रिजनस डिलेमा तो इस वर्ड का क्या मीनिंग है तो प्रिजनेस डिलेमा रेफर्स टू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन गेम थियरी अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट हेल्प्स कि लोग कैसे बिहेव करते हैं डिफरेंट सरकम में फॉर इंस्टांस इट मे अपीर स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप वो काम करोगे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फायदा लगेगा लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि यहाँ पर दो कंपनीज़ है ए एंड बी दोनों ही आइसक्रीम बना रही हैं अब दोनों ही आइसक्रीम बना रही हैं तो दोनों यहाँ पर कोशिश करेंगी कि हम कम से कम प्राइस पर आइसक्रीम बनाएं जिसकी वजह से लोग हमारी आइसक्रीम्स को ज़्यादा खरीदें अब इसकी वजह से एक ने अगर दस रुपये प्राइस रखा तो दूसरा आठ रुपये रखेगा फिर तीसरा छः रुपये रखेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि हो सकता है कि आप इस अनवाइबल लेवल पर पहुँच जाएँ जिसकी वजह से यहाँ पर आइसक्रीम कंपनीज़ को ही नुकसान होने लग जाए तो कंपनीज क्या करेंगी कंपनीज साथ में आएंगी और एक ये लोग फ्लोर प्राइस डिसाइड करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हम सात में अपनी आइसक्रीम बेचेंगे जिसकी वजह से सब लोग यहाँ पर डिसेंट प्रॉफिट्स को अर्न कर सकें ठीक है अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है सपोज टू पीपल ए एंड बी आर ब्रॉट इन फॉर क्वेश्चनिंग अबाउट अ क्राइम एंड दोनों को ये बोला गया कि हमारे पास जो अभी एविडेंस है सरकमिस्टांशियल है और जो भी दूसरे के बारे में गवाही दे देगा वो यहाँ पर बच जाएगा एंड जो दूसरा वो जेल में चला जाएगा फिर दूसरों दोनों की अलग अलग क्वेश्चनिंग होती है एक की यहाँ पर क्वेश्चनिंग होती है तो उसको लगता है कि अगर मैं साल शाह तो हो सकता है दूसरा वाला बोल दे और मैं जेल में चला जाऊँ सिमिलरली दूसरा वाला भी ऐसा सोचेगा और एक इनको ऑप्शन ये दिया गया है कि दोनों बता दो एंड दोनों अपने क्राइम को कन्फ्यूज कर लो दोनों को दस दस साल की जेल होगी ना कि पंद्रह पंद्रह साल की तो यहाँ पर क्या सही ऑप्शन है कि कॉपरेट किया जाए एंड दोनों को कम जेल टर्म तो ये बताया गया ये होता है प्रेजेंस डिलेमा नेपाल माउंटेंस लूज वन थर्ड ऑफ द देयर आइस क्यों क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एंड जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं लेक्स यहाँ पर स्वेल हो रही हैं सी लेवल राइज यहाँ पर बढ़ रहा है नेक्स्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाटर इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो 2017 में इंट्रोड्यूस किए गए थे एज इंटरेस्ट फ्री बेरर इंस्ट्रूमेंट्स बॉन्ड्स ये अवेलेबल होते हैं बहुत सारे डिनोमिनेशन में फ्रॉम रुपीज थाउजेंड रुपीज वन करोर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कौन परचेज कर सकता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सिर्फ उन्हीं यहाँ पर पार्टीज़ को डोनेट किया जा सकता है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन ट्वेंटी नाइन ऑफ द रिप्रजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी वन एंड जिन्होंने सिक्योर किए हूँ एटलीस्ट वन परसेंट ऑफ द वोट्स जो कि पोल किए गए हों द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली तो कौन कौन सी पार्टीज जो हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ले सकती हैं जो कि रजिस्टर्ड हो एंड जिन्होंने एटलीस्ट वन परसेंट वोट्स को सिक्योर किया हो एंड सिर्फ एस के थ्रू ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बाय किया जा सकता है तो बॉन्ड्स विच आर अवेलेबल इन सेवरल डिनोमिनेशन फ्राम रुपीज थाउजेंड टू था। रुपीज़ वन करोड़ कैन बी परचेज फ्राम ऑथोराइज ब्रांचेस ऑफ द एस तो याद रखना है सिर्फ एस से ही एंड पंद्रह दिनों में इनको इनकैश कराना होता है तो तीन पॉइंट्स एस से ही बाय कर सकते हो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए एंड एटलीस्ट वन परसेंट यहाँ पर वोट्स उसने सिक्योर किए होने चाहिए एंड थर्ड पॉइंट की फिफ्टीन डेज में इसको इनकेश कराना होता है एंड ये इंटरेस्ट फ्री बेयर बॉन्ड्स होते हैं वाई अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस तो यही कहा गया था जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था कि हमें पॉलिटिकल फंडिंग के सिस्टम को क्लेंस करना है एंड ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है इलेक्टोरल फंडिंग में जेटली प्रपोज़ द बॉन्ड्स टू करेक्ट दिस सिचुएशन एंड जो सीलिंग है अनोनीमस कैश डोनेशन की दो हज़ार पर लेकर आ गए थे फ्रॉम रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड फिर यहाँ पर ए डी आर एंड कॉमन कॉज दो एन जी ओज ये एक्चुअली केस फाइल करते हैं कि कैसे इस बिल को मनी बिल के थ्रू लाएगा जबकि ये बिल मनी बिल नहीं होना चाहिए एंड राज्यसभा के पास भी यहाँ पर वोटिंग पावर होना चाहिए था कुछ सेफ गार्ड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की वजह से आए थे क्या सेफ गार्ड्स आए थे कि पोलिटिकल पार्टीज जो हैं अपनी सारी डिटेल्स जो भी उनको डोनेशन मिल रहा है लोगों के साथ मत शेयर करो बट एटलीस्ट ईसीआई को आप एक सील्ड कवर में सारी इंफॉर्मेशन दो तो दीस सेफगार्ड्स इंक्लूडेड रिक्वायरिंग पॉलिटिकल पार्टीज टू सबमिट फुल डिटेल्स ऑफ द डोनेशंस रिसीविंग थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू द ईसीआई इन सील्ड कवर जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स आया था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड आरबीआई की क्या पोजीशन थी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना था कि शेल कंपनीज जो हैं इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मिस कर सकती हैं आरबीआई का भी यही कंसर्न था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं इनको मिस किया जा सकता है बाई द शेल कंपनीज देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटेड दैट बॉन्ड्स वुड नॉट बी अवेलेबल टू इंडिविजुअल कैंडिडेट्स एंड न्यू पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट आपके पास वन परसेंट आपने वोट सिक्योर किया हो इन द लास्ट लेजस्लेटिव असेंबली इलेक्शन और द लोकसभा इलेक्शन तो नई पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं इसको अवेल कर सकती है देर वॉज एन इनकसिस्टेंसी बिटवीन द आई टी एक्ट एंड द आर पी एक्ट क्योंकि जो कैश डोनेशन है आई टी एक्ट में ये टू थाउजेंड है एंड जो आर पी ए है इसमें ट्वेंटी थाउजेंड है पार्टी शुड बी रिक्वायर टू गिव द ईसीआई डिनोमिनेशन वाइज डिटेल्स जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एटलीस्ट आपको यहाँ पर ईसीआई को डिटेल में देना पड़ेगा रबीआई का यह कहना था कि ये जो बॉन्ड्स हैं इनको फिजिकल फॉर्म में मत रखो इनको आप डी मैट फॉर्म में रखो लेकिन यहां पर जो बॉन्ड्स है अभी भी फिजिकल फॉर्म में ही बिकते हैं टेन ईयर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो दस साल हो चुके हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अनाउंस द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट इन ट्वेंटी थर्टीन बेल्ट प्लान किया था कि जो ट्रेडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर रूट्स हैं इनको यहां पर रिवाइव करना है रिवर्टलाइज करना है बिटवीन एशिया एंड यूरोप

2013 से लेकर 2018 तक था इन्वेस्ट कर चुका है अब सम कंट्रीज़ ने इस प्रोजेक्ट को रेस किया है किसी ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है अब क्रिटिसाइज़ फॉर एग्जांपल इंडिया भी क्रिटिसाइज़ करता है क्यों क्योंकि यहाँ पर कंट्रीज़ को डेट ट्रैप में फंसा लिया जाता है ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि वायबल होते ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका हम्बन पोर्ट ट्रांसपेरेंसी नहीं होती सस्टेनेबिलिटी नहीं है बी प्रोजेक्ट्स में लेटर यू एंड ई ने भी यहाँ पर सिमिलर कंसर्न रेज किए फिर बाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए टू काउंटर बी तो अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स के नाम पता है देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एक दो मैं बता देती हूँ फॉर एग्जाम्पल पी तो पी जी सेवन में लॉन्च किया गया था पी क्या है ये आपको बताना है ब्लू डॉट नेटवर्क ये बता सकते हो बट देयर कंटिन्यूज टू बी ब्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट इन द ग्लोबल साउथ तो ग्लोबल साउथ वाले जो कंट्रीज हैं वो एक्चुअली यहाँ पर चाइना की बातों में आ जाते हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करा लेते हैं फिर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही पार्ट है इंडिया को इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है क्यों क्योंकि ये इंडिया की सॉवर्निटी को वायलेट करता है क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाते हुए निकलता है हाउ डज इंडिया व्यू द बी तो एक्चुअली ये हमारी सॉवर्निटी रिलेटेड इशूज़ हैं क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू जाता है चाइना जो है अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ा रहा है इंडिया के नेबरहुड में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके बांग्लादेश में पाकिस्तान में श्रीलंका में म्यांमार में जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कंसर्न है डेडलाइन ओवर पाकिस्तान मिनिस्टर तो पाकिस्तान मिनिस्टर ने एक्चुअली ये कहा है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट पाकिस्तान में रह रहे हैं ये चले जाएँ नहीं तो हम इनको एक्सपेल करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम नवंबर फर्स्ट मिड ईस्ट मस्ट कंसिडर अ टू स्टेट सोल्यूशन आफ्टर द वॉर तो बाइडन का यही कहना है कि इसराइल एंड पेलेस्टीन को लेकर यहाँ पर टू स्टेट सोल्यूशन ही होना चाहिए और इंडिया भी टू स्टेट सल्यूशन को ही यहाँ पर सपोर्ट करता है टू स्टेट सोल्यूशन क्या है कि इसराइल के साइड बाई साइड यहाँ पर पैलेस्टीन भी एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री की तरह एग्जिस्ट करे ईरान अरेस्ट टॉप ह्यूमन राइट्स लॉयर ऑन चार्जेस ऑफ वायलेटिंग हिजाब लॉ तो महासा अमीनी के एक्चुअली यहाँ पर डेथ होगी थी एक साल पहले क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मोरिटी पुलिस ऑफ ईरान उन्होंने अपना हिजाब सही तरीके से नहीं पहन रखा था एंड जिसकी वजह से उनको डिटेन कर लिया जाता है एंड डिटेंशन में उनकी डेथ हो जाती है उसके एक्जैक्टली exactly एक साल के बाद एक यहाँ पर और महिला होती हैं जो कि हमने नाम भी डिस्कस किया था तो उन्होंने सही से हिज़ाब नहीं पहन रखा था या तो हिजाब लॉ को वो वायलेट कर रही थी तो उनके पर अटैक किया जाता है जिसकी वजह से वो कोमा में चली जाती है और उनकी डेथ हो जाती है तो उनके डेथ के फ्यूनरल को ईरान के एक ह्यूमन राइट्स लॉयर ने अरेस्ट किया ह्यूमन राइट्स लॉयर ने यहाँ पर यहाँ पर गए थे एंड जिसकी वजह से उनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है तो ईरानिय अथॉरिटीज़ अरेस्टेड अ लीडिंग ह्यूमन राइट्स लॉयर आफ्टर शी अटेंडेड द फ्यूरल टीन एज गर्ल जिसकी यहाँ पर डेथ हो गई थी इन एन इंसिडेंट ऑन तेहराम्स मेट्रो वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट ट्रिगर डुअल शॉक ये कौन से दो शॉक की बात की गई है कि यहाँ पर ऑयल प्राइजेस बढ़ जाएंगे एंड जिसकी वजह से एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा एंड अगर एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा तो दो हैं फूड इनसिक्योरिटी एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो इफ़ यू लाइक दिस दैन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे